हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष गेमिंग में। तो फाइनली हमारे इंडियन बाइक 3D गेम के अंदर आ चुका है और एक न्यू अपडेट जिसके अंदर आई है न्यू GCB न्यू पुलिस स्टेशन। और हमारे गेम के अंदर जो न्यू पुलिस स्टेशन है ना, उसके जेल के अंदर आप जा भी सकते हैं, उसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वीडियो के अंदर। और हमारे गेम के अंदर एक न्यू जेट बैडू है जो कि आसमानों के अंदर उड़। तो आज मैं आपको अपडेट के अंदर के ऑल न्यू चीट कोड और हमारे गेम के अंदर के आरजेस टूल के ऑल न्यू चीट कोड सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। तो चलो अभी हम चलते हैं हमारे पुलिस स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पर आपको सामने एक पुलिस स्टेशन दिख रहा होगा, देखो चलता हूँ जल्दी से पुलिस स्टेशन की तरफ और मैं आपको पुलिस स्टेशन दिखा देता हूँ। अभी मैं बाइक से उतर जाता हूँ। तो ये देखो, ये रहा हमारा पुलिस स्टेशन। और अभी तो इसके अंदर पुलिस वगैरह तो नहीं है और यहाँ पर कार भी नहीं है पुलिसों के, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर कार होती है ना। तो देखो ये रहा हमारा पुलिस स्टेशन और ये दो फ्लोर का पुलिस स्टेशन है। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर तो यहाँ पर मुझे जेल वगैरह भी दिख रहा है। इसके अंदर भी मैं आपको जाने की ट्रिक बताऊंगा जिसकी एक बहुत ही खतरनाक वाली ट्रिक मुझे पता है। तो यहाँ पर आप देखो CCTV कैमरे हैं और यहाँ पर भी CCTV है। यहाँ पर खड़ा हो रहा है ये, तो देखो ये बैठना होता है इसके ऊपर, तो ये खड़ा हो रहा है। और यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं लगता है फ्यूचर वाले अपडेट के अंदर। तो अभी तो हम नहीं जा पा रहे इसके अंदर। तो चलो अभी मैं आपको इस जेल के अंदर जाने की ट्रिक बताता हूँ जिसके लिए आपको मिनी जेट पैक को स्पॉन करना है। अभी आपको क्या करना है, जेल की तरफ आना है एकदम, देखो, और नज़दीक आपको सटाकर लगाना है जेट पैक को और यहाँ से आपको उतरना है। तो देखो अभी हम आ चुके हैं जेल के अंदर, देखो यहाँ से आप इसे एंटर कर सकते हैं। तो अभी तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते, इसके अंदर गेट वगैरह तो नहीं लगा है। तो ऐसे आप इस ट्रिक का यूज़ करके जा सकते हैं अंदर, देखो। और फिर से आपको बाहर जाना है तो फिर से आपको जेट पैक के अंदर बैठना है, चालू करके पीछे आना है, तो आप इजीली बाहर आ जाएंगे। तो जल्दी से हम GCB को स्पॉन करते हैं। उसके लिए आपको मोबाइल को खोलना है और इसके अंदर आपको लिखना है 6677। तो आपके गेम के अंदर आ जाएगा एक न्यू GCB। देखो ये हमारा GCB ऐड हुआ है गेम के अंदर, बहुत ही खतरनाक वाला GCB है। देखो एकदम रियल GCB की तरह है। और अभी हम इसके अंदर बैठेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है ऊपर की तरफ और बाकी सारे गाड़ियों में अलग आता है। तो अभी देखो हम बैठ चुके हैं हमारे GCB के अंदर। देखो क्या खतरनाक GCB ऐड हुआ है हमारे गेम के अंदर। और मैं आपको आगे इसका सब कुछ बताऊंगा, इसका ट्यूटोरियल दूंगा। देखो यहाँ पर कितने सारे हमको बटन दिख रहे हैं। ये जो आपको राइट लेफ्ट के ऊपर जो चार बटन दिख रहे हैं ना ऊपर की साइड में, देखो इससे क्या होता है, आगे वाला आम काम करता है हमारा। देखो ये आप ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो देखो हमारा आम पूरा ऊपर हो गया, देखो। और इसका साइड वाला बटन दबाएंगे नीचे वाला तो देखो ये नीचे होगा। तो इसके नीचे जो आपको दो बटन दिख रहे हैं ना, इससे बकेट काम करता है। ये ऊपर वाला एरो करेंगे तो हमारा बकेट सीधा हो गया, देखो। और हम नीचे वाला एरो दबाएंगे तो हमारा पूरा बकेट देखो नीचे हो गया। और हम इसका ऊपर वाला साइड वाला बटन दबाएंगे जो ऊपर की तरफ है, देखो इससे ऊपर हो जाता है। आपको पीछे वाला आम है ना, ये काम करता है इन 6 बटन से, देखो। अगर आप इसका साइड वाला बटन दबाएंगे, देखो इससे क्या होता है, नीचे होता है, देखो नीचे हो गया पूरा। और ये जो ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो इससे फिर से वापस हो जाता है। इसके नीचे जो दो बटन दिख रहे हैं इससे क्या होता है, ये जो आपका आम है ना, देखो ये पूरा खुल जाता है। देखो ये वाला बटन दबाएंगे आप, देखो पूरा आम खुल गया। तो इसके साइड वाला बटन दबाएंगे तो फिर से आपका आम फिर से नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा, मतलब पूरा बंद हो जाएगा, देखो। तो अब यहाँ पर आपको जो दो बटन दिख रहे हैं ना लास्ट के अंदर, देखो इससे क्या होता है, बकेट काम करता है पीछे वाला। ये आप एरो दबाएंगे, देखो ये वाला ऊपर वाला, तो देखो इससे क्या होता है, ये सीधा हो गया। और इसका नीचे वाला एरो दबाएंगे तो फिर से बंद हो जाता है। तो देखो ये वाला बटन दबाएंगे तो देखो हमारा स्टैंड पूरा नीचे हो रहा है, देखो पूरा अभी नीचे हो चुका है, हमारा हवा में जा चुका है GCB, देखो। और फिर से इसका साइड वाला बटन दबाएंगे तो फिर से हमारा लॉक हो जाएगा, ये हमारा जो है स्टैंड है ये वाला, देखो। तो ये जो आपको मोबाइल की साइड में जो बटन दिख रहा है ना राइट लेफ्ट के, देखो इससे क्या होता है, ये अगर आप राइट वाला बटन दबाएंगे तो देखो ये राइट की तरफ आ गया पीछे वाला आम, देखो पूरा राइट की तरफ आ चुका है। और इसके साइड वाला बटन दबाएंगे तो फिर से उधर की तरफ चला जाएगा, मतलब लेफ्ट की तरफ, देखो ये पूरा उधर की तरफ चला गया। और इस वाले से राइट की तरफ आता है, देखो 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 हमारा पूरा GCB एक हवे के अंदर आ चुका है, देखो। ओ भाई, ओ देखो देखो क्या कर रहे हैं GCB के साथ, देखो पूरा ही उठा कर फेंक दिया GCB को इन लोगों ने। तो ये ज़ॉम्बी लोग हटो। तो अभी हमारे गेम के अंदर एक न्यू ऑफ रोडिंग कार ऐड हुई है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसका चीट कोड आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको न्यू कार का चीट कोड बता देता हूँ। उसके लिए आपको जाना है मोबाइल के अंदर और यहाँ पर आपको डायल करना है 888 और 0। तो आपके गेम के अंदर एक न्यू कार स्पॉन होगी। तो देखो यहाँ हमारे गेम के अंदर ऐड हुई है एक न्यू हैमर कार, अंदर बैठ जाते हैं पहले। तो अभी बैठते हैं हमारे न्यू कार के अंदर जो कि बहुत ही खतरनाक कार है हमर। और अभी हम इसका कलर भी चेंज करते हैं उससे पहले, तो फिर एकदम खतरनाक लगेगी। तो अभी यहाँ पर हम मोबाइल के अंदर चलते हैं, गैलरी में चलते हैं। अभी हम इसका कलर कौन सा करें, रेड कर देते हैं, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। तो देखो कितनी मस्त लग रही है हमारे रेड हैमर। तो अभी इसके अंदर बैठ जाते हैं। तो ऐसे आप इस गेम के अंदर ले सकते हैं न्यू कार जो कि बहुत ही खतरनाक वाली कार है। देखो कितनी इसका लुक, देखो आपको कितना मस्त है। और अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अब ये हमारे आरजेस टूल का सीक्रेट चीट कोड जिससे आपके गेम के अंदर हवा में जेट उड़ेंगे। इसके लिए आपको जाना है आरजेस टूल में और यहाँ पर आपको लिखना है, मैं जैसा लिख रहा हूँ JET, इसे लिखना है आपको, स्पेलिंग ध्यान से देखो और टाइप करना है तो आपके गेम के अंदर जेट उड़ेंगे। देखो यहाँ पर एक जेट जा रहा है हवा में, देखो आपको दिखा होगा अभी, देखो यहाँ पर जा रहा है एक, ये दो, ओ देखो नजदीक से देखो वाला जेट, वाओ कैसे जेट ऐड हुआ है हमारे गेम के अंदर न्यू, नजदीक से देखो, देखो कितने सारे जेट उड़ रहा है हमारे गेम के अंदर, वाओ क्या खतरनाक वाला अपडेट है, देखो इसके अंदर जो जेट भी आ रहे हैं, वाओ देखो अभी हमारे गेम के अंदर एक न्यू कार शोरूम भी ऐड हो चुका है, तो देखो कितना खतरनाक लुक हो रहा है हमारे न्यू कार शोरूम का, देखो और यहाँ पर एक कार शोरूम का भी ऑप्शन आ चुका है, तो अंदर हम चलते हैं, इसके अंदर देखिए क्या क्या है, तो देखो यहाँ पर है हमारी कार मस्टैंग सुप्रा, तो अभी आपको पता होगा इसके अंदर पहले एक यहाँ पर दीवार थी, तो अभी उस वाले दीवार को यहाँ पर हटा दिया है और यहाँ से पूरा एकदम सीढ़ियाँ लगा दिए, देखो यहाँ से आप जा सकते हैं वहाँ से ऊपर करके फिर से आप उस वाली सीढ़ी से नीचे आ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, न्यू चेंज हुआ है हमारे कार शोरूम के अंदर, तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है अभी, पहले से एकदम बहुत मस्त लग रहा है हमारा शोरूम, तो चलते हैं हमारे मस्टैंग को लेकर यहाँ से, तो देखो ये हमारे गेम के अंदर न्यू रैंप ऐड हुआ है ये वाला, यहाँ से आप स्टंप वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ऊपर जाकर बहुत ही बड़ा रैंप है, तो जल्दी से मैं इसके ऊपर चलता हूँ, तो अभी देखो मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ, तो देखो कितना बड़ा रैंप ऐड हुआ है हमारे गेम के अंदर और एकदम इसका ऊपर का है, तो देखो यहाँ से हम नीचे देखते हैं क्या दिख रहा है हमें, तो देखो यहाँ से हम कार को एकदम फुल स्पीड में लाकर यहाँ से उड़ा सकते हैं, तो हमारा कैरेक्टर तो एकदम बहुत ही ऊँचा उड़ेगा, तो इससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आपको रैंप दिख रहा है ना ये बहुत ही बड़ा सा रैंप, तो यहाँ से हम चलते हैं नीचे, तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ ये वाला रैंप, तो देखो यहाँ से आप कार को ऊपर लेकर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला रैंप, देखो कितना मस्त है, हाँ उतर गया, तो अभी मैं उतर जाता हूँ, यहाँ से हम थोड़ा नीचे देखते हैं क्या दिख रहा है, मुझे तो एकदम डर लग रहा है नीचे जाने में, तो देखो क्या दिख रहा है हमको नीचे, ओ भाई कूदा देते कहते, ओ भाई ये तो मरेगा अभी, अभी हमारे गेम के अंदर न्यू अपडेट में और एक चेंज हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से, तो आपको पता होगा ये जो हमारी स्कॉर्पियो थी ना 333 वाली स्कॉर्पियो, तो देखो पहले हम इसके ऊपर कलर करते थे ना, ये वाली कार थी ना हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक, तो इसका जो है बम्पर है ना यही RGB कलर होता था गैलरी के अंदर, तो देखो अभी मैं RGB कलर कर देता हूँ, तो देखो हमारी कार एकदम RGB हो गई है, तो पहले इसका बम्पर RGB होता था, तो इसी भी हम RGB करके ट्राई करते हैं, तो इसी भी हम RGB कर देते हैं, तो देखो ये दोनों कार एकदम अच्छे से RGB हो रही है, तो हमारे गेम के अंदर एक और एक न्यू अपडेट में चेंज हुआ है, तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों स्कॉर्पियो को यहाँ पर स्पॉन कर दिया है, तो आप लोगों को पहले पता होगा यहाँ पर हम इन्हें ब्लास्ट करते थे तो इनका सिर्फ कलर रेड रहता था, लेकिन अभी ये पूरी काली हो जाती है फूटने के बाद, तो पूरी काली हो गई, इसे भी मैं फोड़ देता हूँ, तो देखो ऐसे पूरी एकदम काली हो रही है अभी सारी, तो अभी हमारा RGS टूल का आखिरी चीट कोड, आप लोगों को पता होगा पहले हमारे हाउस का हम कलर करते थे RGB, तो उसका पैटर्न अलग था, लेकिन अभी वो चेंज कर दिया है, उसके लिए आपको जाना है RGS टूल में और यहाँ पर आपको लिखना है HOUSE हाउस COLO कलर और लिखना है RGB और आपको टिक करना है, तो देखो अब यहाँ पर पैटर्न चेंज कर दिया हमारे RGB कलर का, पहले आपको पता था वो एकदम अलग था जैसा हमारे स्कॉर्पियो कार के ऊपर है वैसा था, और आप लोगों को पता होगा पहले हमारा जो RGB कलर करने के बाद हमारा हाउस है ना पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता कांच का, तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, देखो एकदम दीवार हम ऊपर चल कर भी देखते वाला फ्लोर भी हुआ है कि नहीं और ट्रांसपेरेंट या वैसा ही है, तो देखो ये वाला फ्लोर भी एकदम अच्छे से वैसा ही है और यहाँ पर हमारी एक प्यारी सी जिम के अंदर हमने ट्राई की थी एक न्यू गेम जो कि हमारी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम, जिसके अंदर आ चुका है एक न्यू अपडेट जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आई है जैसे कि न्यू JCB, न्यू कार शोरूम, तो आप वीडियो को पूरा देखना, तो अगर आपको पता है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के ग्लिच और मिथ तो आप मुझे कमेंट करो, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, तो आज के वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।